दुश्मन को जंग में धूल चटाने के लिए वायुसेना का फाइटर प्लेन भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली फाइटर प्लेन्स के बारे में, जो किसी भी जंग का रुख बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप देख पाओ वीडियो सबसे पहले। F-35 लाइटनिंग। अमेरिकी वायुसेना का F-35 दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान है। स्टेल्थ तकनीक से लैस ये विमान एक साथ के परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यह इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे कोई भी देश मात नहीं दे सकता है। सुखोई। सुखोई फाइटर प्लेन को दुनिया के सबसे स्मार्ट और तेज तर्राक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। T-50 सुखोई हो या फिर भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सुखोई 30 MKI, इसके सभी वर्जन दुश्मन को हैरान करने के लिए काफ़ी है। सुखोई का सबसे एडवांस वर्जन T-50 सुखोई स्टेल्थ टेक्निक से लैस हो चुका है। F-22 रैप्टर। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली और महंगे विमानों में शुमार है। यह लड़ाकू विमान इतना खतरनाक है कि यह पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। स्टेल्थ टेक्निक से लैस होने के कारण F-22 किसी देश के रडार में नहीं आता है। यूरोफाइटर टाइफून। इस लड़ाकू विमान को जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने मिलकर विकसित किया है, इसलिए इस विमान को यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। यह एक बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान है जो हथियार ले जाने, दुश्मनों पर वार करने, दुश्मन देशों को चकमा देने का काम करता है। इस विमान में खुद का रडार भी है। F-15 स्ट्राइक ईगल। यह दुनिया का बहुत तेज वार करने वाला फाइटर प्लेन है। यह अमेरिकी लड़ाकू विमान चौथी पीढ़ी के फाइटर प्लेनों का अहम हिस्सा रह चुका है। यह फाइटर प्लेन बहुत शक्तिशाली है। इसी के जरिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराकी सेना पर हमला किया था और पूरी इराकी वायुसेना को तहस नहस कर दिया था। तेजस। फाइटर प्लेनों की लिस्ट में भारत का लड़ाकू विमान तेजस भी काफी आगे है। यह 5वीं पीढ़ी के विमानों के तौर पर विकसित किया गया है। इसकी खासियत है कि यह विमान खराब मौसम में भी उड़ सकता है। यह महज 15 मिनट में ही पाकिस्तान पहुंचकर उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। सी हारियर। इस विमान को ब्रिटिश के लिए बनाया गया था। यह तीसरी पीढ़ी के फाइटर प्लेनों का अहम हिस्सा रह चुका है। भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुका यह विमान समुद्र से जमीन पर वार करने में सक्षम है। इसमें हथियार भी ले जा सकते हैं। डसॉल्ट राफेल। यह प्लेन फ्रांस सेना का एक अहम हिस्सा है। यह काफी आधुनिक तकनीक से बना हुआ है। इसमें परमाणु हमला करने की भी क्षमता है। इसका खुद का रडार सिस्टम है। इसी के जरिए एक दुश्मन टीम का पता लगाता है। अब इसे भारत में भी विकसित किया जा रहा है। ग्रिपेन। यह फाइटर प्लेन स्वीडन का है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। यह आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये विमान दुनिया में सबसे तेज से हमला करता है तो बेहद छोटे हवाई पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। चेंगदू J-10। यह लड़ाकू विमान चीन का है। यह प्लेन पाकिस्तान के पास भी है जिसका नाम थंडर है। चेंगदू की खूबी है कि यह किसी भी मौसम में तेजी से हमला कर सकता है। इसमें लेजर गाइडेड बमों के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम के उपयोग की भी क्षमता है। इसके चलते इसकी मार्ग क्षमता बहुत तेज है। ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी करने में सक्षम है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।